2019 में सियासी घमासान दिनों दिन तेज होता जा रहा है। मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली विरोधियों की होड़ लगी हुई है, जहां एक तरफ दिल्ली से यूपी तक विरोधी एकजुट हो रहे हैं, तो वहीं बंगाल से ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी ने जहां मोदी सरकार पर सीबीआई जैसी संस्थाओं के जरिए सियासत करने का आरोप लगाया, तो वहीं अगले ही दिन ममता बनर्जी संसद परिसर में मोदी के खिलाफ नारे लगाती नजर आई। संसद परिसर में ममता बनर्जी ने बापू की मूर्ति के सामने मोदी के खिलाफ कुछ इस तरह से प्रार्थना की, बीजेपी को हटाइए, मोदी बाबू को हटाइए, देश को एकता रक्षा कीजिए, देश का एकता रक्षा कीजिए, देश को संप्रीति को रक्षा कीजिए, देश का संप्रीति को रक्षा कीजिए, किसान को बचाइए, देश का किसान को बचाइए, मजदूर को बचाइए, मजदूर को बचाइए, नौजवान को बचाइए, इंडस्ट्री को बचाइए, इंडस्ट्री को बचाइए, स्टूडेंट को बचाइए, आम जनता को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए, हिंदुस्तान को बचाइए, हिंदुस्तान हमारा, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। एक एक पॉलिटिकल पार्टी का एक एक इडियोलॉजी होता है। अरे से नीचे करो यार, हमारा देश प्रेम का साथ गांधी जी, नेताजी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, बाबा साहेब अम्बेडकर, राजेंद्र कोषज, रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सबको साथ हमारा पूरा देश का एक पैट्रियोटिज्म का एक रिश्ता है। मैं आज लोकसभा में इसी के लिए आई हुई है, मीन्स पार्लियामेंट का अंदर में, पार्लियामेंट के बाहर में गांधी जी हमारा लोकतंत्र को निशान है, बापू जी है जिसको हम देश का सबसे बड़ा महान इंसान के लिए, इंसाफ के लिए मानते हैं। हम जब भी कोई प्रोग्राम भी करते हैं डेमोक्रेसी में, गांधी जी को हम याद करते हैं। शारदा घोटाले को लेकर कोलकाता में कमिश्नर के घर सीबीआई की रेड के बाद ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। मोदी को घेरने के लिए कई विरोधी भी ममता के साथ खड़े हो गए हैं। ऐसे में जनता को किस पर ज्यादा भरोसा है, ये तो आने वाले चुनाव में ही साफ हो जाएगा।